आप देख रहे हैं एस न्यूज, खबरें हर पल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मिजोरम में भी भारी बारिश की वजह से तलबुंग शहर में बाढ़ आने की बाद क्षेत्र में लगभग 300 घर खाली करवा दिए गए। असम में भी बारिश की वजह से सभी नौका सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, मंडी और शिमला के जिलों में गरज के साथ पृथक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। वहीं स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय बना रहेगा। असम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश से ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर हैं। इस वजह से प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ की वजह से लगभग कई लाख लोग प्रभावित हुए हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई हैं। मॉनसून में झमाझम बारिश का इंतजार बढ़ने के बीच उमस में भी इजाफा हो गया है। दिल्ली के साथ एनसीआर के इलाकों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, बल्लभगढ़, गाजियाबाद, नोएडा में उमस से लोगों का बुरा हाल है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आगामी एक सप्ताह तक ऐसा ही माहौल बने रहने की संभावना है। दरअसल दिल्ली में बारिश का दौर रुकते ही उमस बढ़ गई है और गर्मी फिर से तेवर दिखाने लगी है। बारिश रुकने की वजह से अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, वहीं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन भी बिना बारिश के ही निकलने की संभावना है, जिससे गर्मी भी बढ़ेगी। हालांकि 16 से 19 जुलाई तक बारिश की संभावना बन रही है, लेकिन इस बार भी बारिश के हल्के रहने की संभावना है। लोकसभा चुनाव 2019 में जीत के बाद से ही बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां चर्चे में है और वो अपने पहनावे और संसद में अपने प्रोग्रेसिव नेचर के जरिए सुर्खियां बटोर रही हैं और साथ ही संसद में अपनी कई गतिविधियों को लेकर भी चर्चा में रही हैं। नुसरत जहां ने संसद में अपनी शपथ ग्रहण के बाद जाकर स्पीकर के पैर छुए थे, जिसके बाद संसद में काफी नाटकीय माहौल बन गया था। इस बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद ने कहा कि मुझे पता भी नहीं था कि मुझसे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया है, ये काफ़ी नेचुरल था। वो मुझसे बड़े हैं, कुर्सी पर बैठे हैं और हमारे कल्चर में सिखाया गया है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, तो मैंने जाकर उनसे आशीर्वाद ले लिया था। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मुद्दा बनना चाहिए। अलगाववादियों द्वारा श्रीनगर में बंद बुलाए जाने के कारण आज यानी शनिवार को अमरनाथ जाने वाले किसी भी तीर्थयात्री को जम्मू से कश्मीर घाटी की ओर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। पुलिस ने बताया कि अलगाववादियों के प्रदर्शनों को देखते हुए कानून व्यवस्था और अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया गया है। बता दें कि साल 1913 में इसी दिन डोगरा महाराजा की सेनाओं द्वारा श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर गोलीबारी हुई थी, जिसमें करीब 22 लोग मारे गए थे। अलगाववादी हर साल 13 जुलाई को शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। अलगाववादियों की संयुक्त संगठन ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप की ओर से ये बंद टाउन इलाके में हुई गोलीबारी के विरोध भी बताया गया। जम्मू के लोग इस आयोजन का विरोध करते हैं क्योंकि ये मामला तत्कालीन महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह से जुड़ा हुआ है। अलगाववादियों के बंद को देखते हुए यात्रा मार्ग समेत अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के मजबूत बंदोबस्त किए गए हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को चारा घोटाले के देवघर कोषागार से 90 लाख की अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने उन्हें 50,000 के दो निजी मुचलके और जुर्माने के 5 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को 3.5 साल की सजा के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हाईकोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि जमा करने को कहा, उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी लालू प्रसाद जेल में ही रहेंगे। दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है। दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए एस न्यूज। आप देख रहे हैं एस न्यूज, खबरें हर पल की।